हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और इस सीरीज़ में हमारा जो पहला वीडियो है, हम इसमें ये वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और इस वेबसाइट का मुझे नाम लेते बन नहीं रहा, इसका जो लोगो है जूर्स, मुझे एक्चुअली इसका प्रोनंसिएशन बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। इस कोशिश मैं पूरी करने वाला हूँ कि मैं इस वेबसाइट को जैसी बनी है वो वैसे ही स्टार्ट करूँगा। अब किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हम इसमें देखते हैं कि हम उसे स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने HTML और CSS की सीरीज़ स्किप की है तो उसे वापस पढ़ें। अगर आपको बनती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनती तो आप फिर भी उसे पढ़ें। हालांकि हम उस कंसेप्ट को फिर से यूज़ करेंगे तो आप शायद सीख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डेडिकेटेड जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं पर्टिकुलर टैग्स या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, आप उसे पहले जान लीजिए फिर यहाँ पर वापस आइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वेबसाइट से। अब आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास, आप इस एडिट दिस टेम्पलेट को, इस वाले पार्ट को इग्नोर कीजिए और यहाँ पे जो ग्रे कलर का बॉक्स है, सॉरी तरीके का मेन्यू बार है, इसे स्किप कीजिए। हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है ब्लू कलर का, ये शायद डार्क ब्लू, लाइट और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें इस वेबसाइट का लोगो है। फिर हमारे पास कुछ नेविगेशन लिंक्स हैं जिसमें कॉन्टैक्ट, न्यूज़, हेयर स्टाइल, अबाउट और होम है। फिर हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर ग्रे है। फिर हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें एक इमेज है और उसमें कुछ लिखा, ग्रेट हेयर स्टाइल कम्स फ्रॉम एक्सपर्ट, मैं मान सकता हूँ। फिर हमारे पास कुछ इमेजेस आ रही हैं जो उनकी हेयर स्टाइल्स को एक तरीके से बता रही हैं कि बेस्ट हेयर स्टाइल, फीचर्ड हेयर स्टाइल, हेयर केयर और वी हेयर यू और वॉट एवर, जो भी है। फिर हमारे पास सेक्शन आ रहा है फीचर्ड, तो फीचर्ड में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे बनाया होगा, हम उसे देखेंगे कैसे। फिर हमारे राइट हैंड साइड पे कुछ दो सेक्शन आ रहे हैं, एक हेयर स्टाइल से आ रहा है कुछ, इसमें टेक्स्ट लिखा है, और फिर एक आदमी, शायद इसके बाल नहीं है इसलिए ये शायद इतना खुश नहीं दिख रहा है। और फिर हमारा फाइनली एक बॉक्स है जिसमें एक तरीके से इन्होंने लिखा है कॉपीराइट, ऑल राइट रिजर्व्ड, और फिर यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स दिए। तो आप ये पार्ट भी स्किप कीजिए जहाँ पे लिखा रहा क्रिएट योर फ्री वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपटाना स्टूडियो से। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, मेरा वेब प्रोजेक्ट होगा, मैं इसकी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ। और मैं इस प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा हाउ टू डिज़ाइन दिस वेबसाइट। अब मैं फिनिश करूँगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर अब मेरा ये एक्सप्लोरर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ, उस फोल्डर का नाम मैं रखने वाला हूँ इस वेबसाइट पे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग है ZIZURZ, ये प्रॉब्लम देता है, ZIZURZ। मैं फिनिश करूँगा। अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही फॉलो करें, अगर आपके पास अपटाना नहीं है फिर भी आप अपने फाइल स्ट्रक्चर से फॉलो कर सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा CSS, एक अच्छा एक तरीके से रिकमेंड इट स्टैंडर्ड है और सही रहता है, जिससे हम आसानी होती है हमें कभी भी वेबसाइट डिज़ाइन करने पर। फिर JS, प्रॉबेबली मैं JS अभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मुझे कोई भी जावास्क्रिप्ट दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आप बना लीजिए। इमेजेस हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, फिर भी आप बना लीजिए उसे। और फिर अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसे मैं कहने वाला हूँ home.html। मैं इस फाइल को सेव करूँगा, सॉरी ये फाइल इमेजेस फोल्डर के अंदर जा चुकी है, और मैं इसे इस फोल्डर के बाहर लाऊँगा। अब मैं इसे सबसे पहले रन इन वेब ब्राउज़र कर देता, मैं इसका थोड़ा बहुत बेसिक टेम्पलेट डिज़ाइन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं हम HTML5 का टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। अब मैं हेड टैग यूज़ करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं टाइटल लिखने वाला हूँ, इस टाइटल का मैं नाम लिखूँगा ZIZURZ विथ टट्स इन हिंदी .com। और मैं यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर दूंगा, लेट्स क्रिएट दिस वेबसाइट। मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे रन करूँगा अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र पे। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम इसे ऐसा का ऐसा डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग, हम सबसे पहले एक बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर से। मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक डिव टैग लूँगा जिसकी आईडी मैं दूँगा हेड। मैं हेड इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं
होपफुली आपको फॉन्ट्स दिख रहे हो, नहीं तो मैं आप थोड़ी साइज़ और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को फॉन्ट्स सॉरी कोड देखने में कि मैंने कोड क्या लिखा, और मैं से ऐप एक्सप्लोरर को भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ब्लू बॉक्स से। ब्लू बॉक्स से स्टार्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाहर है। अभी स्ट्रक्चरिंग, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग देखेंगे तो सिंपल मतलब सीखेंगे आगे, लेकिन अभी हमारी स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पे इस ब्लू बॉक्स को सबसे पहले बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ हेड, एक तरीके से हेड दे सकते हैं, हेड दिया मैंने। मैं इसे सेव करूँगा और इसके अंदर कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। और फिर मैं एक CSS की फ़ाइल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से आऊँगा न्यू, फ्रॉम टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं CSS टेम्पलेट। आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल पड़ता है इसे। मैं इस फाइल को सेव करूँगा, प्रोजेक्ट में सेव करूँगा मैं। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, इस फाइल को हटाऊँगा मैं यहाँ से। मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से ही जाता हूँ, नो करूँगा मैं यहाँ पे। सॉरी ये प्रॉब्लम थोड़ी जा रही है मुझे। मैं CSS में आऊँगा, यहाँ पे न्यू फाइल यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे नाम दूंगा home.css। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है क्योंकि उससे मुझे ये समझ में आता है कि मैं किस पेज के लिए अपना CSS डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ये प्रेफर करता हूँ। मैं इसे CSS फोल्डर के अंदर सेव करूँगा। और सबसे पहले मुझे स्टाइल लिंक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिंक टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और हमारा href में आने वाला है। CSS के अंदर हमारी फ़ाइल का नाम है home.css। अब टर्मिनल स्टूडियो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ती इसके कारण। और मैं स्टैक को क्लोज़ करूँगा। अभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे एक तरीके से बॉडी टैग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा जो मेन बॉडी टैग है, आप देख सकते हैं बॉडी का बैकग्राउंड ग्रे दिख रहा है, तो मैं उस ग्रे कलर को यूज़ करूँगा। तो मैं ग्रे कलर यूज़ करूँगा इस कलर पिकर से, तो मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस किया तो हमारा यहाँ पे कलर आ चुका है ED ED ED। अब मैं इसे यहाँ से क्लिक करके कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, और मैं इसे नीचे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इसे बैकग्राउंड कलर दूँगा, और मैंने यहाँ पे हैश के साथ इस कलर को कॉपी किया। और आपको डिफरेंस अब दिखेगा हमारी वेबसाइट पर। तो अभी हमारी वेबसाइट वाइट है और इसमें कुछ टेक्स्ट है जो कि हट जाएगा, और आप देख सकते हैं हमारा कलर ग्रे आ चुका है। तो इसका मतलब हमारी CSS फाइल भी लिंक हो चुकी है और अब हम रेडी हैं काम करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टार सिलेक्टर है। हमारे पास एलिमेंट आईडी और क्लास सिलेक्टर होता है, ये स्टार सिलेक्टर होता है। ये हर एलिमेंट में काम करता है, एक तरीके से यूनिवर्सल एलिमेंट है। तो मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि ऑल बॉयज़ स्टैंड अप, तो मतलब जो भी जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे स्टैंड हो जाएंगे। तो स्टार सिलेक्टर के भी यूज़ है, ये हर एलिमेंट में काम करता है। तो इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ मार्जिन और पैडिंग इसे ज़ीरो करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने का, और इससे अच्छा रहता है क्योंकि इससे हम सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट रहता है वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है हमें। तो मैंने इसे सेव किया। अब अभी भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। अब हम हेड टैग के अंदर आएंगे। अब हेड टैग के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एक वेबसाइट का लोगो दिख रहा है, ये इमेज फॉर्म में, लेकिन हम इसे खुद CSS से डिज़ाइन करेंगे। और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कुछ नेविगेशन बार आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो डिव टैग यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हेड टैग आपको दिख रहा है, सॉरी ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा 100% आ रहा है, लेकिन जो वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है वो अराउंड 80% है, तो उसे भी हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ब्लू कलर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा वापस, और यहाँ पे हमने एक हेड टैग यूज़ कर लिया ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, हेड मैंने दिया, अब मैं इसकी हाइट देता हूँ अराउंड 120 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर अभी मैं देखता हूँ कितना आएगा, और इसकी विथ जो हमारी होने वाली है वो 100 पिक्सल होने वाली है, सॉरी 100% होने वाली, क्योंकि वो पूरी पेज को ही कवर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब कलर पिक करूँगा मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। हमारे पास कलर आ चुका है, मैं इस कलर को कॉपी करूँगा और इसे मैं हैश, यहाँ पे हम हैक्स तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और मैं इसे रन करूँगा।